think we are going to go live now. Must be live. Hello, hello, hello everyone. How are you all? I hope that you guys are doing really, really good. And welcome back to the platform of Unacademy. मेरा नाम है दीपिका राठी और मैं Unacademy पे ऑडिट और लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू लाई हूँ. मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं नम्रता. हेलो नम्रता, वेलकम टू द Unacademy. नम्रता, यू आर म्यूटेड. Yes. Good evening, ma'am. Good evening, and welcome to the session today. Thank you, ma'am. Namrata, मैं सबको बताना चाहती हूँ, सारे बच्चे, मैं आप लोगों को आज बहुत ही एक ऐसी स्टोरी बताना चाहती हूँ जो माइंड ब्लोइंग है, एंड दैट इज नम्रता का. सो नम्रता के अगर आप स्कोर देखेंगे, शी इज नॉट एन ऑल इंडिया रैंकर, एज नम्रता ने सिर्फ एक सिंगल ग्रुप को अपीयर किया था, बट अगर नम्रता ने दोनों ग्रुप्स दिए होते तो शी वुड हैव बीन एन ऑल इंडिया रैंकर, क्योंकि उनके जो स्कोर है वो जबरदस्त है. मतलब ऐसे स्कोर रेयरली देखने के लिए मिलते हैं किसी की भी मार्कशीट में, और नम्रता के स्कोर कुछ वैसे हैं. इसलिए आज मैं नम्रता को आपके सामने लाई हूं ताकि आप अपने सवाल नम्रता से पूछ सकते हैं. मैं आपके बिहाफ पे नम्रता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. एंड सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, नम्रता ने अपनी प्रेपरेशन को 3 months में किया था और इतने अच्छा स्कोर उन्होंने ऑब्टेन किया बाय स्टडिंग फॉर 3 months. और आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम्स में 3 महीने बाकी है, राइट? तो आज नम्रता से बहुत सारे हम सवाल पूछने वाले हैं. नम्रता, आर यू रेडी? हमारे आपके सीक्रेट्स रिवील करने के लिए क्या आप तैयार हैं? ओके बच्चों, चलिए. ऑल राइट. तो चलिए सबसे पहले मैं नम्रता के स्कोर को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी. सो बच्चों, आप देख सकते हो ये नम्रता का स्कोर है आपकी स्क्रीन के सामने. इतना माइंड ब्लोइंग स्कोर मैंने तो बहुत रेयरली देखा है. सो इफ यू सी द स्कोर, नम्रता को अकाउंटिंग में मिले हैं 81, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज जिसमें बच्चे रोते हैं थियोरी सब्जेक्ट में, उनको मिले हैं 73. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नम्रता है स्कोर 79. टैक्सेशन, जिसमें इस बार बहुत ही लो स्कोर रहा है बच्चों का, टैक्सेशन में नम्रता ने स्कोर किया है 76. और जो आपको ये मार्कशीट दिख रही है, ये मार्कशीट 3 महीने का नतीजा है, 3 महीने की मेहनत का नतीजा है, राइट? ओके, चलिए. ऑल राइट, तो आई होप आपने नम्रता के क्रेजी स्कोर को यहाँ पे देख लिया है. तो सबसे पहले नम्रता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका चाहे अकाउंट्स देख, आपका चाहे प्रैक्टिकल देख लो, आपका थ्योरी देख लो, आपका स्कोर जबरदस्त प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में रहा है. तो पहला सवाल मेरा, आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया? इन अकाउंटिंग आई हैड रेफर्ड टू स्टडीमार्ट इटसेल्फ एंड प्रैक्टिस्ड इट इन राइटिंग फॉर अबाउट 3-4 टाइम्स. अच्छा, ओके. एंड सो यू प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 3-4 टाइम्स इन राइटिंग? यस मैम, लाइक द कांसेप्ट ऑफ मार्किंग द डिफिकल्टी लेवल, लाइक स्टारिंग इट अप and resolving it again and again until it becomes easy is what I had did for practical subjects. Wow. So, सबसे पहले नम्रता, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आपने group 1 की preparation क्या Unacademy से की है? Yes, ma'am. Unacademy लक्ष्य में. Very, very nice. So, नम्रता is our student, Unacademy student, and नम्रता ने बोला कि accounts जैसे practical subject को जब तक confidence नहीं आ जाता, उन्होंने 3-4 बार writing में किया है, right? ओके नम्रता, आपका थ्योरी में मैं फिर से मार्कशीट दिखाना चाहूंगी क्योंकि आई कांट टेक माय आईज ऑफ योर मार्कशीट. आपने 73 मार्क्स लॉ में आपने ऑब्टेन किए हैं. तो मैं आपसे पूछूंगी कि थ्योरी सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कैसे? यू आर म्यूटेड नम्रता. यस मैम,
थ्योरी सब्जेक्ट्स में आल्सो आई हैड प्रैक्टिस्ड इन राइटिंग इटसेल्फ ओनली स्टडी मैट आई हैड इट मैम. अच्छा तो आपने सिर्फ स्टडी मैट को किया और स्टडी मैट के क्वेश्चंस को राइटिंग में प्रैक्टिस किया. हां मैम एंड आई हैड रिवाइज्ड इट फॉर लाइक 5 टाइम्स थ्योरी सब्जेक्ट. तो राइटिंग में आपने 5 टाइम्स रिवाइज किया? नहीं नॉट इन राइटिंग. हां इन फर्स्ट मंथ आई हैड जस्ट स्टडीड इट एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल. राइट इन द सेकंड मंथ आई हैड डिड लाइक 2 टाइम्स रिवीजन किया सेम थिंग. And in the third month, I had did the writing practice and RTP, MTP along with the thing. अच्छा, okay. So basically, RTP, MTP is 3 to 4 बार आपने सारी चीजों को अच्छे से आपने practice किया, right? Yes, ma'am. 3 to 4 बार revisions practical के भी और theory के भी. Yes, ma'am. Mind blowing. अच्छा नम्रता मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि ऐसी कौन सी आपको लगता है क्योंकि आपका स्कोर इतना ब्रिलियंट है आपका ऐसा क्या एक चीज है जो आपको बहुत हेल्प की आपकी मतलब इतने अच्छे स्कोर करने में ऐसी एक चीज एक दो हैबिट्स आपकी जो आपको बहुत फायदेमंद रही आपकी प्रेपरेशन में व्हाट आर दोज हैबिट्स इंस्टेड ऑफ लाइक मेकिंग टाइम टेबल फॉर टाइम टेबल बनाने के सिवाय यू कैन जस्ट मेक योर टारगेट लाइक सिलेबस वाइज टारगेट करते जाना एंड फुलफिलिंग इट करेक्ट स्पॉन्टेनियसली करेक्ट. तो बेसिकली हर दिन का आपने टाइम टेबल बनाया टारगेट बनाया और उसे अचीव किया. हां यस मैम. अरे वाह. आल्सो नम्रता नॉट टाइम वाइज लाइक आई डिड इट विद सिलेबस वाइज. अच्छा सिलेबस हर सब्जेक्ट का आपने टारगेट बनाया कि मुझे इतना करना है और उस हिसाब से आपने प्रिपेयर किया. हां यस मैम. अच्छा परफेक्ट. अच्छा ऑल्सो नम्रता मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इतना अच्छा स्कोर आएगा आपके पेपर्स अच्छे गए थे? I was confident that I will pass but I was not at all expecting like 300 marks when I saw it I was like इसमें तो पता नहीं कितने बच्चे और निकल जाएंगे जिनका बाकी है. वाओ आई एम सो हैप्पी सीइंग योर स्कोर. अच्छा काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने लॉ को कैसे प्रिपेयर किया जैसे लॉ थ्योरी है तो हालांकि आपने 3 to 4 बार रिवीजन की तो आपने क्या सारे स्टडी मैट कितने अटेम्प्ट्स के आरटीपी क्वेश्चंस को देखा मॉक टेस्ट को देखा? लॉ थ्योरी सब्जेक्ट्स आई लाइक टू स्टडी इट इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन आवर माइंड इज फ्रेश एंड राइट क्लियर एंड ऑल. हां लॉ के लिए ओनली स्टडी मैट इज क्वाइट सफिशिएंट न्यूमोनिक्स हेल्प मी अ लॉट. अच्छा okay and also writing oh, practice very good. so writing practice helped you in understanding ki answers ko exam mein kaise likh kar aana hai. yes ma'am I used to picturize the answers in my brain and match with suggested then evaluate itself with suggested answers of ITI. wow so that is one thing I think jo sab bachcho ko adopt karni chahiye that is the presentation skills as in आपको कैसे पता चलेगा आपको किस तरीके से एग्जाम में लिख कर आना है दैट विल ओनली हेल्प जब आप अपने सजेस्टेड आंसर्स को मैच करोगे अपने खुद के आंसर्स के साथ ओनली देन आपको पता चलेगा आप गलत कहाँ जा रहे हो. राइट यस मैम. सो नम्रता आपके ग्रुप 2 की तैयारी चालू हो गई है और ऑडिट आप मेरे साथ कर रहे हो आपको मजा आ रहा है क्लास में? It is lot of fun, ma'am. Like you are so energetic in class. Like it's next level. Chalo, that's wonderful, wonderful. Thank you, Namrata, and I hope ki aap audit mein mera naam roshan kar do. Itna acha score kar rahe ho. I just wish fingers crossed. Acha, Namrata, mera ek aur question rahega. Jitne bhi bache yahan pe sun rahe hain, kya 3 months sufficient hai? आपका इतना अच्छा स्कोर देख के मैं पूछना चाहूंगी क्या 3 months sufficient है एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए? Yes, ma'am. It is more than sufficient. To appear for if single study, group. Yeah, if we study like properly. Yeah, it's more than sufficient. Yeah. अरे वाह. Yes, ma'am. बच्चों और green flag मिल गया भाई. मतलब ऐसे बच्चे से मिल गया जो all India ranker हो सकता था. Single group दिया. But नम्रता आप regret कर रहे हो कि अगर मैं दोनों groups देती तो क्या पता मेरा all India rank आ जाता. Yes, a lot, ma'am. Like the day I saw that score 300. I wished I could have written 2 groups at a time. I'm sure. But nevertheless,
So, Namrata, was Unacademy helpful to you in your journey? Yeah, a lot, ma'am. They teach and all. Yeah, you love the teaching skills. It's scheduled in life and we can't miss the classes. Right. So you have to be, आपको basically रोज क्लास में आना है और क्लास लेनी है और उतना कर रहे हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे. Yes, ma'am. We are punctual. Perfect. Very, very nice, Namrata. So I hope बच्चों ब्रनाली पूछ रही है नम्रता आपसे, डिड शी कवर द सिलेबस एंड रिविजन इन 3 months? क्या आपने सिलेबस को पढ़ा और रिविजन सारा 3 महीने में कंप्लीट किया? राइट, यस मैम. ओके, सो ब्रनाली आई होप यू गॉट योर आंसर. नम्रता ने पढ़ा भी 3 महीने में और रिवाइज भी उसको उस टाइम पे किया एंड दैट इज द स्कोर. वन लास्ट टाइम मैं नम्रता का स्कोर सब बच्चों को दिखाना चाहूंगी बिकॉज ये स्कोर इंस्पिरेशन है बहुत सारे बच्चों के लिए. एंड नम्रता, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ हैप्पी आई गेट जब किसी बच्चे का, अपने बच्चे का मैं रिजल्ट इतना अच्छा देखती हूँ. बहुत ही मुझे अच्छा लगता है. सो आई होप दैट यू अचीव वंडर्स इन योर लाइफ. और मैं यहाँ पे सम अप करने वाली हूँ. सब बच्चे ध्यान से सुनना, शी कवर्ड इट इन 3 months. रिविजन उन्होंने थ्योरी का कम से कम 3 से 4 बार किया, प्रैक्टिकल को कम से कम 3 से 4 बार लिख के उन्होंने प्रैक्टिस किया, आरटीपीज एमटीपीज को प्रैक्टिस किया एंड दैट्स हाउ शी गॉट द स्कोर. रेगुलर टाइम टेबल बना के, सिलेबस को डिवाइड करके शी बेसिकली स्कोर्ड दिस हाई मार्क्स विच इज़ एन इंस्पिरेशन टू सो मैनी. तो नम्रता ने अपना पूरा ये ग्रुप 1 प्रेपरेशन अनअकैडमी से किया, अब ग्रुप 2 भी अनअकैडमी से चल रहा है. नम्रता, फुल ऑन सेटिस्फाइड विद ग्रुप 2? Yeah, completely. Your notes are like wonderful, ma'am. OP, OP. I've already revised it for 2 times and it is, yeah, completely. अरे वाह, अरे वाह, I'm so happy, I'm so happy. चलिए तो मैं बता दूं बच्चों, इस बार ऑडिट को हम लिख के कर रहे हैं, ग्रुप 2 की प्रिपरेशन लिख के हो रही है. सो दैट इज वाई नम्रता, अगर हम एक और चीज, अगर हम नोट्स को लिख के बनाते हैं, जैसे मैंने ऑडिट के आपके सारे नोट्स राइटिंग में करवाए हैं, तो वो मल्टीपल रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं. राइट, या अ लॉट. लाइक वन द फर्स्ट टाइम आई द टाइम आई टुक टू रिवाइज इट फॉर द फर्स्ट टाइम इज लाइक 2 times व्हाट आई टेक राइट नाउ. करेक्ट, सो मतलब बहुत ही कम टाइम पे यू कुड रिवाइज एवरीथिंग बिकॉज़ सारे ऑडिट के नोट्स आपके हैंड रिटन है. विद एवरी रिवीजन द टाइम गेट्स लेसर एंड लेसर. राइट, राइट, एग्जैक्टली. एग्जाम टाइम तो इट विल बी लाइक विद इन 5 minutes यू कैन कंप्लीट अ चैप्टर. अरे वाह, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. परफेक्ट. सो नम्रता, इट वाज अमेजिंग 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 टॉकिंग टू यू. आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट इवन टेल यू टॉकिंग टू यू. एंड ऑल्सो सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको 3 महीने में प्रिपरेशन करनी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ पास ही हो सकते हो या प्रेपरेशन हो नहीं सकती. नम्रता का स्कोर देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप अभी भी अगर स्टार्ट करते हो, अभी भी 3 महीने हैं, आप पढ़ाई रिवीजन सब खत्म करके फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो सकते हो. राइट नम्रता? यस मैम. एंड वन थिंग आई रिग्रेट इन कॉस्टिंग इज आई हैड लाइक रिटन द आंसर करेक्टली बट क्वेश्चन नंबर मैंने गलत लिख लिया था. I lost that 10 marks. I regret it still till now. Oh my god, तो अगर वो ठीक लिखा होता तो और भी ज़्यादा स्कोर आता. Yes, ma'am. Oh, गलती, it should not happen. I should have checked it. I know. But चलो, any which ways, आपका स्कोर वैसे भी बहुत अच्छा है, तो कोई बात नहीं. अब वो गलती हो गई. At least you learned from that mistake. Yeah, ma'am. Perfect. Also, बच्चों, इस सेशन को अब मैं यहाँ पे एंड करूंगी. आई होप कि यू गॉट द आंसर कि अब आपको क्या करना चाहिए. और साथ ही साथ जाते जाते मैं आप लोगों को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पेज पे लेके जाना चाहूंगी. अगर आप अनअकैडमी पे अभी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए. इफ यू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पे, 1 is Plus एंड 1 is Iconic. अब मैं आपको बता दूं कि अभी अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है कि अगर आप आज, लिमिटेड टाइम है इस ऑफर को अवेल करने के लिए, तो अगर आप आज अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको 20% ऑफ तो मिलेगा. एज यू कैन सी, आपको 24 मंथ्स पे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, 18 मंथ्स पे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, 12 मंथ्स पे आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा एंड आपके 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा. सो मेक अ राइट चॉइस
20% ऑफ को अवेल कर सकते हैं अभी आप, और साथ में एक्सटेंशन भी अवेल कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज माई कोड दैट इज सी ए दीपिका. नम्रता एक बार तुम बोलो, चलो परफेक्ट. तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल अ 20% ऑफ. सो इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा ताकि आपको 20% ऑफ मिले. और ये ऑफर सिर्फ आज 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 के लिए वैलिड है, तो मिस मत करना बच्चों. एंड लाइक आई सेड कि अभी भी रेस खत्म नहीं हुई है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो 3 महीने में और फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर कर सकते हो. राइट नम्रता? परफेक्ट. चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों. आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आपकी इंस्पिरेशन आपके साथ में है. एंड इनको दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन को करना, एंड डेफिनेटली यू कैन किल इट इन द अटेम्प्ट. आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. सी यू एंड बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू.